दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस पर भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। देश भर की कई कंपनियों ने अपने हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन कराया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस खास कार्यक्रम में एयरफोर्स चीफ बीआर चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान किसी ड्रोन ने आसमान में ही संदिग्ध गतिविधियों को कैप्चर किया तो किसी हाईटेक ड्रोन ने आतंकी के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद किया। सिर्फ यही नहीं, भारत ड्रोन शक्ति शो की शुरुआत में एयरबेस पर दो सिंबॉलिक आतंकवादी दिखाई दिए। पहले एक ड्रोन ने उनकी तस्वीर कैप्चर की, जबकि वहां पहुंचे दूसरे ड्रोन ने ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया और कई स्टॉलों का जायजा लिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि लगभग 75 ड्रोन स्थिर प्रदर्शन पर हैं, जबकि 50 से अधिक ड्रोन को पूरे कार्यक्रम में हवाई प्रदर्शन में प्रदर्शित किया जाना है। इसमें रक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, हेल्थ सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन भी दिखाए गए हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से C-295 विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा पाठ किया और मंत्रोच्चार के साथ भारतीय वायुसेना में C-295 विमान को सौंपा गया। बता दें कि भारत ड्रोन शक्ति शो 26 सितंबर तक चलेगा। इसमें 50 से अधिक ड्रोनों का लाइव प्रदर्शन हो रहा है। देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट इसमें शामिल हुए हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस बार ये आयोजन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हो रहा है। ड्रोन उड़ान प्रदर्शन, पैनल डिस्कशन, उत्पादन लॉन्च आदि कार्यक्रम इन दो दिनों में होने वाले हैं। जारी एक प्रेस सर्कुलर में बताया गया है कि ड्रोन तकनीक ने नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्र में तेजी से बदलाव किया है, दक्षता बढ़ाई है, जोखिम को कम किया है और क्षमताओं को बढ़ाया है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास खुफिया निगरानी और सर्चिंग ऑपरेशन के लिए दूर से संचालित विमानों को नियोजित करने का व्यापक अनुभव है। भारत के तेजी से बढ़ते ड्रोन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास में भारतीय वायुसेना ने मेहर बाबा स्पॉम ड्रोन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। फिलहाल इस ड्रोन शो को जिसने भी देखा वो रोमांचित हो उठा।